कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान रखते हुए जिलाधीश नीलेशी सागर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों से कहा, स्कूलों में अध्ययनरत 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी SDM को संबंधित क्षेत्र में स्कूलवार टीकाकरण की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण एवं नागरिक जनों का नियमित कोरोना टेस्ट किया जाएगा। धान खरीदी समीक्षा के दौरान खाद अधिकारी ने अवगत कराया कि जिला में 1 दिसंबर तक 1,94,000 मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। जिले में आगामी 8 दिनों तक के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था है। कुल खरीदी का लगभग 45% धान उठाव हो चुका है। साथ ही नीलाधीश ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि गोमांस एक्ट के तहत सभी दुकानें समय में बंद हो जाए, सभी नागरिक क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए। कोरोना लहर को ध्यान में रखते हुए जिला कार्यालय परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार को छोड़कर शेष प्रदेश द्वार बंद रहेंगे। KL के आज बैठक में खास तौर पे जो कोरोना की स्थिति बन रही है उसके बारे में सभी विभाग को जो शासन से निर्देश मिले थे वो दिए गए हैं, मास्क के बारे में भी और दूरी बनाए रखने के बारे में, और अभी कुछ आदेश भी जारी हो रहे हैं। इसके साथ जो 15 से 18 साल में जो वैक्सीनेशन है स्कूल में चल रहा है उसके भी निर्देश दिए गए हैं। जिले में लगभग 40% ऐसे बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है। प्रयास रहेगा कि आगामी 2 दिन में जिले में 100% 15 से 18 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। इसके अलावा धान खरीदी और जो भी शासन के फ्लैगशिप प्रोग्राम है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हाट बाजार हो, तो उसी की भी समीक्षा नरवा गरवा की समीक्षा। TCB 24 के लिए गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट।